हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक, उसका नाम है द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या काम आता है, किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि जब किसी नंबर 16 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है, वो भागफल कितना आता है, यानी कि कोशेंट कितना आता है। तो 3 × 5 = 15, मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम सभी ये इस टाइप की कैलकुलेशन है वो छोटी कक्षाओं में करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि -14 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो उस केस में जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना आएगा। तो बहुत से साथी हैं वो इस प्रकार कर लेंगे, 4 × 12 रिमाइंडर आ जाएगा -2, जो कि गलत है। बहुत से साथी इसको सही भी करेंगे, लेकिन कुछ साथियों के मन में जरूर आएगा कि रिमाइंडर है वो -2 आएगा, जो कि गलत है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो इन टाइप के जो भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, किसी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, या किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भी पता होना चाहिए कि 5 को -3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा तो क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो बच्चों को परेशान कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, नंबर थ्योरी में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी अपन नंबर थ्योरी पढ़ें तो बात करेंगे सिर्फ इंटीजर की। इंटीजर का कंसेप्ट मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इंटीजर है उसको डिनोट करेंगे अपन इस जेड से। इंटीजर को मैं 3 पार्टों में बांट सकता हूं। एक मेरे पास होगा पॉजिटिव इंटीजर, इसको मैं जेड वाले से डिनोट कर सकता हूं। दूसरा मेरे पास आ जाएगा सिंगलटन 0, और तीसरा मेरे पास आ जाएगा जेड नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर तो मेरे पास क्या होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा मेरे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नहीं आएंगे, यानी 0 भी शामिल होगा और पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल होंगे। और कई बार अपन करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 और नेगेटिव इंटीजर। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे, नंबर थ्योरी में अपन इंटीजर की बात करेंगे या पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, रियल नंबर वगैरह की बात नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं अपन जो डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है। डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि आपके पास ए, आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, एंड बी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, किस प्रकार कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू है वो क्या होगी, आर है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी। आर है वो मेरे पास क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये स्टेटमेंट है वो डिवीजन एल्गोरिथम का है। मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ, वो उसकी करोदरी है, ये मैं बोलता हूँ जनरलाइज्ड डिवीजन एल्गोरिथम है। वो क्या बोलती है करोदरी, वो ये बोलती है कि ए एंड बी आपके पास क्या है, दोनों ही इंटीजर है, आर इंटीजर, एंड बी है आपके पास वो नॉन जीरो, बी क्या है, नॉन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका है, देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, इस प्रकार होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर है वो क्या होगा, आर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बताता है कि जब कोई भी इंटीजर है ए और बी, बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए,
तो उसके लिए हमेशा दो यूनिक इंटीजर इस प्रकार मिल जाएंगे कि a बराबर b क्यू प्लस r फॉर्म में लिख सकता हूं। ये कैसे आता है अपन देखते हैं। छोटी कक्षा में अभी मैंने बताया था, जब आप 17 को किससे डिवाइड करते हो, मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 17 को अगर मैं a लिख दूं, 4 को मैं b लिख दूं, इसको मैं q लिख दूं, और इसके बाद जब रिमाइंडर आएगा r, तो इस फॉर्मूलेशन को इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। जहां पे q है वो क्या कहलाता है, क्यूसेंट कहलाता है। q क्या कहलाता है, क्यूसेंट कहलाता है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, q आपके पास क्या है, क्यूसेंट कहलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। r है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। जहां पे b है वो क्या कहलाता है, b कहलाता आपके पास डिवाइजर, और a क्या कहलाता आपके पास, डिविडेंड, यानी ये कहलाता भाज्य, और a क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से, या किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर किस प्रकार निकाला जाता है, इसकी मदद से देखते हैं। तो मैं बात करूं, जब अपन डिवाइड करते हैं -10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर है वो क्या आएगा, ये मुझे पूछा जाता है। तो अपन क्या करना है, जिस संख्या को डिवाइड करना है उसको इस साइड लिखते हैं, किससे डिवाइड करना, 3 से। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू और आर चाहिए, तो मुझे क्या लाना है, साइड माइनस का 10 होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू -4 चूज कर सकता हूं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा नेगेटिव का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2 कर देता हूं, तो इस साइड मेरे पास माइनस का 10 है, और इस पास इस साइड भी मेरे पास माइनस का 10 है, तो यानी कि इस केस में रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब -10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 को माइनस 25 को जब किससे डिवाइड करते हैं, 25 को जब मैं -6 से डिवाइड करता हूं तो उस केस में मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 25 को -6 से डिवाइड करना है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे माइनस का और प्लस का, माइनस 6 और इंटू -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 24, और एक ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25। तो इस केस में जब मैं 25 को किससे डिवाइड करता हूं, -6 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा इस केस में मेरे पास प्लस का 1 आएगा। तो इस प्रकार अपन किसी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं डिविजन एल्गोरिथम की मदद से। अब इसमें देखते हैं आगे, अगर आपके पास यहां पे मैंने क्या बोला कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या लेना है, नॉन जीरो लेना है, तो b हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं b को मान 2 ले लेता हूं, एक स्पेशल केस है, अगर b 2 ले लेते हैं देन मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या क्या सकता है, देन पॉसिबल केस ऑफ रिमाइंडर क्या होंगे, पॉसिबल केस ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, यानी r का मान या तो 1 होगा और 0 होगा, या मैं बोलूं 0 होगा या 1 होगा। मुझे पता है r का मान b से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो b का मान 2 है तो r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा। इफ r बराबर 1, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, इफ r बराबर 0 यानी रिमाइंडर 0 है, देन आपके पास a है वो किस फॉर्म का होगा, a मेरे पास किस फॉर्म का था, a बराबर b क्यू प्लस r फॉर्म। अगर मेरे पास r 0 हो गया तो a है मेरे पास किस फॉर्म का होगा, देन a है वो मेरे पास किस फॉर्म का होगा, bq फॉर्म का होगा, which is called even number, क्या कहलाता है, even number। अगर मेरे पास r का मान 1 हो जाए, अगर r का मान 1 हो जाता है तब मेरे पास a है वो किस फॉर्म का होगा, bq प्लस 1 फॉर्म का होगा। सॉरी, b का मान 2 है तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, b की जगह 2 लेना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो 2q+1 इज कॉल्ड ओड नंबर।
जब आर का मान जीरो है तो मेरे पास ए है, वो किस फॉर्म का होगा? टू क्यू फॉर्म का होगा। तो ये क्या कहलाता है? इवन नंबर। अपन बचपन में पढ़ते आए हैं इवन नंबर किसको बोलते हैं, जिस संख्या को टू डिवाइड करता है वो इवन नंबर कहलाता है, और जिसको टू डिवाइड नहीं करता है वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर। इसको टू डिवाइड करता है और इसको टू डिवाइड नहीं करता, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच जाएगा? वन बच जाएगा। तो इस प्रकार अपन कोई भी इंटीजर को ओड और इवन में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ एक स्पेशल केस आता है डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर। इफ आर का मान जीरो है, इफ बी मेरे पास कुछ भी हो, बी मेरे पास कुछ भी हो, इफ आर मेरे पास जीरो है, देन एक स्पेशल केस घटित होता है, उसका नाम है अपन बोलते हैं डिविजिबिलिटी। तब क्या होता है, मेरे पास आर का मान जीरो है, तब एक नया कंसेप्ट आता है डिविजिबिलिटी का। उस केस में ए है आपके पास किस फॉर्म का होगा? बी क्यू फॉर्म का होगा। उस केस में मेरे पास ए है वो बी क्यू फॉर्म का होगा। तो डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है उसको अपन देखते हैं। हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? भाजकता का कंसेप्ट क्या है? आपके पास ए और बी आपके पास क्या है? ए एंड बी आपके पास दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, आर टू इंटीजर। देन एंड बी आपके पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। देन ए इज डिविजिबल बाई, देन ए इज डिविजिबल बाई बी इफ देर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट, इस प्रकार ए बराबर बी सी। ए और बी आपके पास दो इंटीजर हैं, बी आपके पास नॉन जीरो इंटीजर है, तो ए इज डिविजिबल बाई बी कब कहेंगे? इफ देर एग्जिस्ट एक इंटीजर ऐसा सी मिल जाए कि ए बराबर बी सी लिख सके। एंड एक्सप्रेस्ड एज या डिनोटेड एज, किस प्रकार डिनोट करते हैं? कि बी है वो ए को डिवाइड करते हैं, या ए है वो बी से डिविजिबल है। इसको जो बोलने का तरीका है वो इस प्रकार भी बोल सकते हैं। एक तो मैंने बोला कि ए इज डिविजिबल बाई बी, इसको इस प्रकार भी बोलते हैं बी डिवाइड, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं बी इज डिवाइजर ऑफ, इसको इस प्रकार भी अपन बोल सकते हैं बी इज फैक्टर ऑफ। ये बोलने के तरीके हैं। अगर इस प्रकार भी लिखा हुआ है तो भी ये सिंबल यूज होगा कि बी ए को डिवाइड करता। अगर इफ बी डजंट डिवाइड है, बी डजंट डिवाइड्स ए, देन वी राइट बी डजंट डिवाइड। इस सिंबल का यूज करेंगे। ये सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझना है कि बी है वो ए को डिवाइड नहीं करता है, यानी जब ए को बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर बचेगा। ये सिंबल लिखा है इसका मतलब क्या समझना है कि बी ए को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जब बी को ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ये सिंबल के बारे में कुछ साथी जानकार नहीं होते हैं तो आगे से ध्यान रखना ये सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सिंबल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? तो ये सिंबल अलग चीज है, ये सिंबल अलग है। ये क्या है? इस प्रकार लिखते हैं, ये बात क्या ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ए को बी से डिवाइड करते हैं, बी बाई ए है, ये बी अपॉन ए है, और इसका मतलब है कि बी ए को डिवाइड करता है। तो इन दोनों सिंबलों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंबल ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब बी ए को डिवाइड करता है और इसका मतलब है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए है। चलो उसके बाद अगर आपके पास बी ए का डिवाइजर है, इफ यहां पे मैंने क्या बताया ए इज डिविजिबल बाय बी है, तो इसको एक ऐसे ही बोलते हैं ए इज मल्टीपल ऑफ बी, मल्टीपल ऑफ बी भी पढ़ते हैं इसको, ए है वो बी का मल्टीपल है, इस प्रकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ ए आपके पास क्या है,
ए क्या है, बी से डिविजिबल है, या मैं बोलूं इफ बी इज फैक्टर ऑफ ए देन माइनस बी है वो भी क्या होगा, ए का फैक्टर होगा, देन माइनस बी इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए। कैसे होगा कि बी ए का फैक्टर है तो मेरे पास क्या होगा, एक सी मुझे मिलेगा, ए बराबर बी इंटू सी, बी इंटू सी। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं माइनस बी इंटू माइनस सी। तो यहां से मुझे क्या पता चला है कि माइनस बी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। अतः मुझे ये पता चला कि फैक्टर हमेशा किसमें होंगे, पेयर्स में होंगे, किसमें होंगे, पेयर्स में होंगे। तो ध्यान रखना कि किसी भी इंटीजर के फैक्टर हमेशा किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी की, उन प्रॉपर्टी को देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी की, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक नॉन जीरो इंटीजर है वो हमेशा किसको डिवाइड करता है, जीरो को डिवाइड करता है। इफ ए आपके पास कोई भी इंटीजर है, क्या है, ए आपके पास कोई भी इंटीजर है लेकिन क्या नहीं है, जीरो नहीं है, देन हमेशा क्या करेगा, वो जीरो को डिवाइड करता है। यानी कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर है वो जीरो को डिवाइड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वन हमेशा किसको डिवाइड करेगा, वन हमेशा डिवाइड करेगा ए को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वन, प्रत्येक इंटीजर को डिवाइड करेगा। इफ ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए अगर बी को डिवाइड करता है तो माइनस ए बी किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा, और ए है वो माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, और माइनस ए है वो माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि दो किसको डिवाइड कर रहा है, चार को डिवाइड कर रहा है, तो माइनस दो है वो चार को भी डिवाइड करेगा, माइनस दो भी चार को डिवाइड करेगा, दो चार को डिवाइड कर रहा है तो दो है वो माइनस चार को भी डिवाइड करेगा, और माइनस दो है वो भी माइनस चार को डिवाइड करेगा। तो इस चीजों का ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ ए और बी आपके पास कोई दो इंटीजर है, ए और बी आपके पास दो इंटीजर है, एंड ए बी को डिवाइड करता है, क्या करता है, ए बी को डिवाइड करता है, देन आइदर दो केस होंगे, या तो आपके पास बी जीरो होगा, आइदर बी जीरो होगा, और ए का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉडुलस ऑफ बी से। ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है, या तो बी जीरो होगा, बी जीरो हो जाएगा तब तो मेरे पास ये केस घटित हो जाएगा, अगर बी जीरो नहीं है तो ए का मॉडुलस है वो क्या होगा, बी के मॉडुलस से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। यानी बड़ी संख्या कभी भी छोटी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती है, डिवाइड छोटी संख्या हमेशा बड़ी संख्या को करेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम का जो छोटा सा कंसेप्ट है वो इतना ही है, नेक्स्ट कंसेप्ट में अपन चर्चा करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।